जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मौसमी संकट के आसार बनते दिखते नजर आ रहे हैं। अधिकांश जिलों में पानी बरस रहा है, तो वही अगले 24 घंटे में भारी बरसात की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। सरकार इसके लिए तैयार होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार देर रात से शुरू हुई बरसात अब भी जारी है। रायपुर में बरसात की झड़ी टूटी ही नहीं है, तो ही प्रदेश के अधिकांश जिलों में जमकर पानी बरस रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी से लेकर अति भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। यह बरसात 18 से अधिक जिलों को प्रभावित कर सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को जरूरी व्यवस्था कर लेने का निर्देश जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने जो है दोपहर को जारी ऑरेंज अलर्ट के मुताबिक बात करें तो अगले 24 घंटे में राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बरसात की संभावना है, जबकि इन स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके मुताबिक कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार से लेकर के जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद से लेकर कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बरसात अथवा वज्रपात होने की संभावना है। इधर मौसम विज्ञान विभाग ने प्रशासन से इन जिलों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। 1 अगस्त से हट सकती है स्थानांतरण पर लगी हुई रोक, 15 अगस्त तक इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। दरअसल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर 3 वर्ष से लगी रोक 1 अगस्त से हट सकती है। स्थानांतरण नीति 2022 बनाने के लिए गठित की गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है। इसी प्रारूप को मंजूर किया गया तो 1 से लेकर 15 अगस्त तक स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद 15 सितम्बर तक आदेश जारी होंगे। सूत्र के मुताबिक विधानसभा का मौजूदा मानसून सत्र समाप्त होने के बाद स्थानांतरण नीति का प्रारूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जा सकता है। बघेल की हरी झंडी मिलते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। बताते चले कि 14 जुलाई को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में स्थानांतरण नीति बनाने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करने का फैसला लिया गया था। 28 तारीख को होगी हरेली से सावन भादों में होगी 30 त्योहारों की बरसात। दरअसल वैसे तो अभी पानी की वर्षा हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में पर्वों की वर्षा या फिर पर्वों की बरसात कहना भी गलत नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रदेश में सावन और भादों के दौरान स्थानीय तीज त्योहार की भरमार रहती है। इसकी शुरुआत 28 जुलाई को हरेली से होने जा रही है। महामाया मंदिर के पुजारी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर लोग खेती किसानी से जुड़े हैं, ज्यादातर स्थानीय पर्व भी इसी पर ही आधारित है। जैसे कि हरेली में खेत के साथ साथ कृषि उपकरणों की पूजा का विधान है। सावन भादों में ज्यादातर त्योहार पड़ने की वजह से ये है कि इस दौरान किसान खेती कार्य में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में अलग अलग पर्वों के जरिए वे कृषि और इससे जुड़े उपकरणों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। एक अन्य कारण ये भी है कि चतुर्मास काल में लोग इधर उधर जाने की बजाय अपने ही घरों में रहे, इसके चलते भी वर्षा काल में सबसे ज्यादा तीज त्योहार पड़ते हैं। जो दरअसल हरेली 28 जुलाई को है, बहुरा चौथ 15 अगस्त को है, कमर छठ जो है यहाँ पर 17 अगस्त को होगा। इसके अलावा पोरा त्योहार का कार्यक्रम जो है 27 अगस्त को होगा। तीजा लोग जो कि मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में धूमधाम से, जो कि 30 अगस्त को होने जा रहा है, और 11 अगस्त को जो है रक्षाबंधन ही है। और आप सभी को इस प्रकार के मालूम भी होंगे। पूरा शहर जो है पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। रायपुर के कई बड़े हिस्से में जलभराव की स्थिति है, जबकि सड़कों पर नाली का गंदा पानी आने की वजह से नगर निगम जो है इसको रोकने से जो है यहां पर विफल होता नजर आया है। दरअसल बात करें तो बीते दिन तकरीबन दिन भर बारिश होती रही। इस बारिश ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भिगोया और कई जगहों पर सड़कों को डुबा दिया। बारिश शुरू होने के पहले ही शहर में जलभराव की समस्या को लेकर नगर निगम के अधिकारी
अधिकारी बैठक लेते रहे और ऐसे में बारिश हुई तो हालात जस के तस बने रहे हैं। यहां तक कि जयस्तंभ चौक जो कि शहर का सबसे प्रमुख इलाका है, यहां भी सड़क पर नदी सा नजारा देखने को मिला। पानी के बीच तेजी से चल रही कारें और दूसरे वाटर बोट लग रही थी। प्रोफेसर कॉलोनी, भाटागांव, जीई रोड और कांदुल जैसे हिस्सों में सड़कें पूरी तरीके से डूब गई थी। तो वही घड़ी चौक से लेकर के जयस्तंभ चौक की तरफ आने वाली सड़क शहर की सबसे प्रमुख सड़क है। इसे राजधानी की पहचान के तौर पर भी देखा जाता है। करोड़ों की कमर्शियल प्रॉपर्टी, तहसील दफ्तर, डीकेएस अस्पताल, मॉल और दुकानें भी इसी सड़क पर ही है, मगर बारिश आते ही इन सब पर अव्यवस्था का पट्टा लग जाता है। गन्ना नाला का पानी जो है शोरूम में घुसता है, जलभराव इतना हो जाता है कि चलती कारों के भीतर भी पानी रिस करके पहुंच जाता है। इधर बात करें तो बीते दिन भी कुछ इसी प्रकार के हालात देखने को मिले। गोठान जिसके लिए बनाया गया है वो पूरी तरीके से खाली नजर आ रहा है, जबकि सड़कों पर मवेशी घूम रहे हैं। 1 जुलाई से रोका छेका अभियान का जो शुरुआत है वो भी हो चुका है, लेकिन इसका कोई भी असर होता नहीं दिख पा रहा है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो नगरीय क्षेत्रों से लेकर के स्थानीय क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह मवेशियों ने सड़कों पर डेरा जमा रखा है। राज्य सरकार ने रोका छेका अभियान के तहत क्षेत्रों में जो है गोठान का निर्माण करके मवेशियों को रखने का इंतजाम किया है, लेकिन बात करें तो अब जो है गौठानों की अपेक्षाएं सड़कों पर जो है पशु जो है नजर आते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो संपूर्ण तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से नहीं बन पाई हैं। दरअसल बात करें तो गौठान के संचालन का जिम्मा जो है महिला स्व सहायता समूह को दिया गया है और इसे बदल करके एजेंसी के संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन एजेंसी ने अपना काम शुरू नहीं किया है, लिहाजा शहर से मवेशियों को गौठान नहीं ले जाया जा रहा है। मवेशियों की सड़कों पर मौजूदगी की वजह से हादसे की आशंकाएं भी बनी रहती हैं। रात के वक्त कई बार लोग हादसे का शिकार भी होते रहते हैं। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि अभियान में काम किया जा रहा है, लेकिन अब जो रिजल्ट्स हैं वो यहां पर देखे जा सकते हैं शहरों पर, साथ ही साथ गाँव के इलाकों में, साथ ही साथ जो बात करें तो खास करके रोड पर जो मवेशी जो है नजर आ सकते हैं, और इसकी वजह से जो है हादसे की आशंकाएं लगातार बढ़ती जाती है। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी रहा हंगामेदार। भाजपा बोली कि धान खरीदने केंद्र दे रहा है 75% राशि, सीएम ने कहा केंद्र ही पैसे नहीं देता है। दरअसल विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्षी विधायकों ने जहां धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार द्वारा पैसे देने की बात कही, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी के लिए केंद्र पैसे नहीं देता। इसके बाद भाजपा विधायकों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि धान खरीदी के एवज में किसानों को कितना भुगतान किया गया है, उसमें उन्होंने केंद्र तथा राज्य की कितनी कितनी राशि है। इसके जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि धान की खरीदी के लिए किसानों को 51,563 करोड़ रुपए और 47 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। तो वही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत अब तक 11,148 करोड़ 45 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। केंद्र सरकार अग्रिम राशि नहीं दी जाती है। दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश चुनाव पर भी रणनीतिक चर्चा होने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे वहां कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने वाले हैं। ताजा राजनीतिक घटनाओं की वजह से उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली जा रहा हूं, वहां से नेताओं से मुलाकात करेंगे। कल हिमाचल प्रदेश के साथियों से भी मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफे के बाद यह मुख्यमंत्री का पहला दिल्ली दौरा है। इससे पहले टीएस सिंहदेव भी दिल्ली जा चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इससे पहले राहुल गांधी के ईडी के सामने पेशी के दौरान प्रदर्शन के लिए दिल्ली गए हुए थे।
प्रदेश में सामने आए हैं कोरोना के चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े। राजधानी में सबसे ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। दरअसल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में रोजाना 500 से अधिक मामले अब जो है दर्ज किए जा रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना के मामले चिंता बढ़ा देने वाले हैं। दरअसल प्रदेश में बात करें तो कोरोना संक्रमण के कुल 511 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान सबसे अधिक मरीज राज्य की राजधानी रायपुर में रिकॉर्ड किए गए। राजधानी में 79 नए मामलों की पुष्टि हुई है, तो ही दुर्ग में 73, राजनांदगांव में 69 और प्रदेश में बात करें तो कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई है बीते 24 घंटे के दरमियान। वही 458 लोग स्वस्थ होकर के वापस घर लौटे हैं। वही मिले नए मामलों के बाद प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ करके 3830 पर जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ फिल्म महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री बघेल, कहा फिल्म नीति बनने से छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ फिल्म महोत्सव के माध्यम से छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों, गीतकारों, संगीतकारों से लेकर के गायक गायिकाओं और तकनीकियों को यहाँ पर सम्मान किया गया। शहीद स्मारक भवन में आयोजित किए गए छत्तीसगढ़ी फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कलाकारों के लिए असली इनाम दर्शकों से मिलने वाला प्रतिसाद होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सफर पर बात करते हुए कहा कि कहीं देवी संदेश ने जहां तात्कालीन जाति परिदृश्य पर करारा प्रहार किया था, तो वही घर द्वार में टूटते पारंपरिक रिश्तों को रेखांकित किया गया था। लगभग हर छत्तीसगढ़ी फिल्म ने सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवेश को दर्शाया है। छत्तीसगढ़ में ईडी का जो है यहाँ पर ईडी को लेकर के सियासत गरमाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री बोले कि चिटफंड घोटाले की जांच के लिए ईडी को लिखा है। रमन सिंह ने कहा कि इसे उनका भी समर्थन है। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच के नाम पर राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। सोनिया गांधी की पेशी के विरोध में ईडी का घेराव कर रही कांग्रेस पर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर घोटालों का आरोप लगा दिया। कहा घोटाले की ईडी से जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा है। अब डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि चिटफंड घोटाले में ईडी की जांच भी उनका एक पूर्ण समर्थन है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री के केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन पर जो है सवाल खड़े किए। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रकार का जवाब दिया। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है, जिस कैमरे से अक्षय कुमार की मूवी बनाई जाती है उसी कैमरे से छत्तीसगढ़ी फिल्म तैयार हो रही है। अब जो है उसी से करण खान की अपकमिंग फिल्म तैयार करी जा रही है। छत्तीसगढ़ में फिल्मों के एक्टर करण खान की अपकमिंग मूवी में कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। इस मूवी में पहली बार पूरी एरी एलेक्जा कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कैमरा बॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट में शामिल रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म राइडी राउट और जैसी कई बड़ी हिट फिल्मों में इस कैमरे से शूटिंग की गई है, जिसका सामने जो है अक्षय अपनी मूंछों को ताव देते फिल्मी फ्रेम में कैद हुए हैं। अब उसी कैमरे के जरिए एक्टर करण खान अपनी आने वाली फिल्म कुरुक्षेत्र दिखाने वाले हैं। बातचीत में बताया गया है कि ये पहला मौका है जब एरी एलेक्जा जैसे कैमरों का इस्तेमाल किसी कमर्शियल छत्तीसगढ़ी मूवी में किया गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।